नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर को आधार नंबर के साथ घर बैठे ही लिंक कराना चाहते हैं, चाहे वो जिस भी टेलीकॉम कंपनी का हो, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जिस भी कंपनी का हो, अगर आप उसे घर बैठे अपना आधार नंबर के साथ लिंक कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे तरफ से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भारत सरकार ने सारे टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जिस भी कंपनी का हो, सारे कंपनी को नोटिस कर दिया गया है कि आप अपना ग्राहकों के मोबाइल नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक करा लें, और अगर मोबाइल नंबर, जिस भी ग्राहकों का मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ लिंक किया हुआ नहीं रहेगा तो उसका मोबाइल नंबर बंद किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कराने का लास्ट डेट है 31 मार्च 2018। तो दोस्तों मेरे तरफ से यानी कि स्मार्ट टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जो है कि अपने मोबाइल नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक जरूर करा लें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों चले चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आप जो है कि डायलर को ओपन कर लीजिए, जिसपे आप जो है कि नंबर डायल करते हैं उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपको एक नंबर पर कॉल करना है, वो नंबर है 14546। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पर जो कि आप किसी भी सिम से कॉल कर सकते हैं। ये नंबर जो कि सभी सिम के लिए सेम ही है, यानी कि अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन किसी भी कंपनी का सिम अगर आप लोग यूज करते हैं तो यही नंबर से आपको कॉल करना है। तो दोस्तों चले हम कॉल करते हैं और आप लोग जो कि गौर से सुनिएगा कि इसमें क्या क्या जो कि बताया जा रहा है, और हम जैसे जैसे ये प्रोसेस करते जाएंगे आप लोग भी वैसे वैसे कीजिएगा तो आप लोग का भी मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। तो चले दोस्तों फिर कॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास दो सिम है, एक यूनिनॉर का सिम है, एक एयरसेल का सिम है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो कि यूनिनॉर का जो सिम है वो मेरा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है आधार नंबर के साथ, और एयरसेल का जो सिम है वो मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ अभी तक नहीं है। तो मैं आप लोग के सामने अभी एयरसेल का सिम को आधार नंबर के साथ रजिस्टर करके बताऊंगा, और यूनिनॉर का सिम जो कि पहले से मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ है, चलिए मैं इस पर भी कॉल करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो। तो चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, नंबर पर कॉल करते हैं। नमस्कार प्रिय ग्राहक, टेलीनॉर री वेरिफिकेशन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका आधार नंबर और वो मोबाइल नंबर हो जो आपने अपना आधार बनवाते समय रजिस्टर करवाया था। आपके मोबाइल के लिए री वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। टेलीनॉर री वेरिफिकेशन हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने, मेरा ये नंबर ऑलरेडी जो कि आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर हम वापस चलते हैं और मैं इसी नंबर पर कॉल करके मैं एयरसेल नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक करते हैं। तो चलिए मैं फिर से इस नंबर को डायल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एयरसेल पर कॉल करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग सुनते रहिएगा कि क्या क्या बताया जा रहा है। वेलकम टू एयरसेल, एयरसेल में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें, नाबालिग और अन्य राज्य के आधार के द्वारा वेरिफिकेशन इस IVR पर संभव नहीं है। आपके नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड SMS के द्वारा आपके आधार रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कृपया अपने आधार रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल को अपने पास रखें। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक दबाएं। अगर आप विदेशी नागरिक या अनिवासी भारतीय हैं, तो दो दबाएं। दोस्तों अब तक यहाँ पे बताया गया आप लोग अपना आधार नंबर को अपना सामने जरूर रख ले। चूंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ तो हमको बताया जा रहा है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो एक प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं एक प्रेस कर देता हूँ। माफ कीजिए, हमें आपकी कृपया ध्यान दें, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के आप हमें अपने एयरसेल मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराने की सहमति प्रदान करते हैं। आधार एक्ट 2016 के अनुसार UIDAI द्वारा जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण के हेतु इसे आपकी सहमति मानी जाएगी।
सहमति प्रदान करने के लिए कृपया एक दबाएं। तो चलिए मैं इसको परमिशन देता हूँ वन प्रेस करके। कृपया अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। उसके बाद दोस्तों हमको बताया जा रहा है कि 12 डिजिट का जो हम लोग का आधार नंबर है उसको जो है कि यहाँ पर डायल करना है। तो चलिए मैं अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर डायल कर देता हूँ। आपके द्वारा दर्ज किया गया आधार नंबर है। यदि ये नंबर सही है तो एक दबाएं। कोई अन्य आधार नंबर दर्ज करवाने के लिए दो दबाएं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये मेरा आधार नंबर सही है तो वन प्रेस करें, या फिर कोई और आधार नंबर है दो प्रेस करने के लिए बताया जा रहा है। तो चूंकि ये मेरा आधार नंबर सही है तो चलिए मैं एक प्रेस कर देता हूँ। कृपया ध्यान दें कि वन टाइम पासवर्ड दर्ज करके आप हमें सहमति देते हैं कि आप मौजूदा उपभोक्ता हैं इस एयरसेल मोबाइल नंबर के, जिसका क्रमांक है और ये सिम कार्ड आपके पास है, तथा आप हमें सहमति देते हैं आपका नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग तथा फोटो वेरिफिकेशन हेतु UIDAI से प्राप्त करने के लिए। ये वन टाइम पासवर्ड को आपके हस्ताक्षर के समान मान्यता दी जाएगी। ये जानकारी लेने में सहमति प्रदान करने के लिए प्राप्त 6 अंकों का वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। उसका दोस्तों जैसे कि आप लोग ने सुना 6 डिजिट का एक OTP की वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP नंबर जो कि आप लोग का आधार नंबर में रजिस्टर्ड किया हुआ मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ने अपना आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है तभी आप लोग जो कि इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, घर बैठे लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं लिंक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा जो कि ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका है OTP का, ये जो 6 डिजिट OTP है यही मेरा जो है कि सिग्नेचर के तौर पर लिया जा रहा है, इसको मैं अगला डायल कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, ये जानकारी प्राप्त करने में हमें कुछ क्षण लगेंगे। कृपया आपके द्वारा अधिकृत अन्य मोबाइल कनेक्शंस की संख्या दर्ज करें। अगर आपके नाम पर 3 अन्य मोबाइल कनेक्शन हैं, तो 3 दबाएं। अगर 6 मोबाइल कनेक्शन हैं, तो 6 दबाएं। आपके नाम पे और कोई मोबाइल कनेक्शन ना हो तो 0 दबाएं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका आधार कार्ड किसी और मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया हुआ है, कितना मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया हुआ है वो आप जो है कि यहाँ प्रेस कर दीजिए। तो देखिए मेरा जो है कि अभी तक जो है कि कोई मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया हुआ नहीं है, तो चलिए मैं 0 प्रेस कर देता हूँ। आपके एयरसेल मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुकी है। कृपया ध्यान दें, इस क्षण से 24 घंटे के बाद आपके एयरसेल मोबाइल नंबर पर आपकी सहमति लेने के लिए एक SMS भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए SMS प्राप्त होने के 3 घंटे के अंदर अपनी सहमति भेज दें। एयरसेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद आपको जो है कि 24 घंटा के अंदर एक मैसेज भेजा जाएगा, उसमें जो है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप सहमत हैं इस मैसेज का रिप्लाई दीजिए, अगर आप लोग सहमत नहीं है रिप्लाई नहीं दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जैसे ही वो मैसेज आएगा तो उसको आपको जो है कि 3 घंटा के अंदर आपको जो है कि उसका रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने देखा मैं अपना मोबाइल नंबर को अपना आधार नंबर के साथ जो कि रजिस्टर्ड कर लिया हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि वाकई में मेरा रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ। चलो मैं फिर इसी नंबर से कॉल करता हूँ अपना एयरसेल नंबर पर, फिर देखता हूँ कि क्या बताया जा रहा है। वेलकम टू एयरसेल, एयरसेल में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें, नाबालिग और अन्य राज्य के आधार के द्वारा वेरिफिकेशन इस IVR पर संभव नहीं है। आपके नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड SMS के द्वारा आपके आधार रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कृपया अपने आधार रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल को अपने पास रखें। इस एयरसेल मोबाइल की वेरिफिकेशन पहले से ही प्रक्रियाधीन है। अंतिम स्थिति जानने के लिए कृपया 24 घंटे के बाद दोबारा संपर्क करें। एयरसेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
तो दोस्तों सुना आपने, मेरा जो कि आधार नंबर जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है और ये प्रोसेस में है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।